सिचुएशन है, जो एक्सीडेंट है उसके बारे में तो आपको मालूम है कि कोरोमंडल जो ट्रेन है उसमें करीब 24 कोच होते हैं, इसमें से करीब 18 कोच जो है वो बुरी तरह डैमेज हुए हैं और जो रेस्क्यू का काम है वो बहुत ही मिनिमम पॉसिबल टाइम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंचे हैं अपने पूरे टीम के साथ, पुलिस फोर्स, फायर ब्रिगेड टीम, ओड्राफ टीम, ऑल द ऑफिसर्स दे हैव कम टू द रेस्क्यू साइट और मिनिमम पॉसिबल टाइम में जितना मैक्सिमम पॉसिबल काम हो सकता था हमने किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकल आदमी लोग को जिनके हेल्प के बिना ये संभव नहीं था और माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के जो तुरंत निर्देश आए हैं सारा प्रशासन लगा हुआ है। हमारा रेवेन्यू मिनिस्टर प्रमिला मल्लिक मैडम इस साइट पे पहुंचे हैं, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी प्रणव प्रकाश दास उन्होंने भी साइट पे मौजूद हैं और सारे एमएलए पार्टी के सारे एमएलए जो एमपी जो भी सेक्शन में हर किसी को एक एक काम दिया गया है, हर एक के जिम्मेदारी में एक एक हॉस्पिटल है वहां पर कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे खाएंगे, उनका रिलेटिव कैसे पहुंचेंगे और जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है वो भी अपने घर कैसे वापस जाएंगे, हर किसी का आपका अरेंजमेंट हुआ है। और जो बालासोर हॉस्पिटल आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा टीम सबको लगा हुआ है, जो हमारा प्रिय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हर एक जीवन मूल्यवान है, उसी आधार पे सबको इन एक्शन मूड है कि हर किसी का जान बचाना है, हर किसी को हेल्प देना है। देखिए जो आंकड़े आए हैं करीब 207 के आंकड़े जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिए, तो अभी हो सकता है वो और भी बढ़ जाए, लेकिन जो बात आपने बोले कि सेफ्टी मेजर्स डेफिनेटली आज के डेट में जब हम इतना तेज गति से ट्रेन चलाना चाहते हैं तो सेफ्टी इज ए मेजर कंसर्न, तो ये तो पूरा इन्वेस्टिगेशन बाद ही पता चलेगा व्हाट वेंट रॉन्ग। और कोरोमंडल एक्सप्रेस इस रूट की एक प्रेस्टिजियस ट्रेन है, जब उसका एक्सीडेंट होता है डेफिनेटली जो आपका जो सेफ्टी नॉर्म्स को देखा जाएगा, जो टीम अभी रेलवे की इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे तो निश्चित रूप के इनसे एक इनको तो कुछ ना कुछ मिलेगा कि आगे के लिए इसको कैसे दोहरा नहीं होगा या रिपीट नहीं होगा, उसके लिए उनको काम करना चाहिए।